अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अक्सर तलबा जब घर बैठे अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, अपने उस दिन के अटेंड किए हुए लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे होते हैं और टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता या थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद उन्हें आवाज़ आ रही, बेचैनी या लैक ऑफ मोटिवेशन महसूस होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आमतौर पर तलबा थोड़ी सी भी सुस्ती गालिब आने पर बुक बंद कर देते हैं और अदर एक्टिविटीज़ में मशगूल हो जाते हैं और वो दोबारा से किसी नई मोटिवेशन की तलाश में लग जाते हैं कि उन्हें कहीं से कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसी लॉजिक, कोई ऐसी रीज़न मिले कि वो दोबारा से किताब की तरफ रागिब हो सकें। लेकिन असल में टेक्निक ये होती है कि आप बुक बंद ना करें, बल्कि बुक्स के साथ ही एसोसिएटेड रहें और कुछ टेक्निक्स यूज़ करें कि आपकी पढ़ाई के दौरान ही मोटिवेशन जो है वो उसमें इजाफा हो सके, आपकी जो एनर्जी है और जो आपकी स्टडीज़ के साथ वाबस्तगी है वो पहले से मजबूत हो सके। तो इसके लिए चंद एक टेक्निक्स होती हैं जो आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। उनमें सबसे पहली टेक्निक ये है कि अगर दौरान पढ़ाई आपको लगे कि आपका दिल नहीं लग रहा, आपको पढ़ाई में बेचैनी और आवाज़ारी महसूस हो रही है, तो सबसे पहले अपना स्टडी की जो प्लेस है वो चेंज करें। यानी जिस जगह पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि उस जगह में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि वहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन फेस करना पड़ रही हो, कोई उस जगह के अंदर उस माहौल में कोई ऐसी बात हो कि आपका पढ़ाई की तरफ जो है वो ध्यान ना लग रहा हो। तो जो पहला तरीकाकार है वो ये होता है कि हमेशा अपनी जगह चेंज करें। आप अगर किसी एक रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं तो दूसरे रूम में चले जाएं, आपके पास अगर छत अवेलेबल है तो वहाँ चले जाएं, घर से बाहर अगर कहीं जा सकते हैं तो वहाँ चले जाएं, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप बैठकर पढ़ सकते हो तो अपनी प्लेस ऑफ स्टडी अगर चेंज करते हैं तो इससे भी आपकी मोटिवेशन में इजाफा होता है, आपकी स्टडीज़ के लिए जो एनर्जी होगी वो पहले से बेहतर हो सकती है। इसके बाद अगर अपनी पढ़ाई की जगह चेंज करने के बावजूद भी आपको लगे कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, या फॉर एग्जांपल फ़र्क पड़ा है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही कैफियत आ चुकी है, तो दूसरा फार्मूला आप यूज़ करें और वो ये है कि अपने जो स्टडी का मोड है वो चेंज कर लें। यानी हो सकता है कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाएं, हो सकता है आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस याद कर रहे थे तो अब आप न्यूमेरिकल की तरफ आ जाएं। यानी आप जो काम कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ का, उसका थोड़ा सा अगर आप एंगल चेंज कर लें, उसके अंदर अगर थोड़ी सी आप तब्दीली ले आएँ तो इससे भी आपकी मोटिवेशन में इजाफा हो सकता है। यानी हो सकता है कि आप केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हों और उसका कोई एक ऐसा टॉपिक हो जो थोड़ा मुश्किल हो और उसको बार बार पढ़ने से आपको समझ में ना आ रहा हो और उसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं या आप किसी और चैप्टर का कोई और सवाल याद करना शुरू हो जाएं, तो इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको पहले से बेहतरी महसूस होगी। लेकिन अगर इस टेक्निक से भी कोई बात ना बन सके तो जो तीसरा सोल्यूशन है वो ये है कि फिर आप अपना सब्जेक्ट ही चेंज कर लें। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे तो अब आप फिज़िक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें या इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दें, अगर आप उर्दू पढ़ रहे थे तो आप इंग्लिश या इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ आ जाएँ। यानी सब्जेक्ट चेंज कर लेने से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप दोबारा से एक नए जज्बे, एक नए जोश के साथ अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर सकें। इसलिए आम स्टूडेंट्स की तरह थोड़ी सी बेचैनी महसूस करने के फौरन बाद किताब बंद करने से पहले हमेशा इन तीन टेक्निक्स को लाजमी यूटिलाइज करें। सबसे पहला ये कि आप अपनी जो पढ़ाई की जगह है वो चेंज करके देख लें, उसके बाद अपना मोड ऑफ टास्क, यानी अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, या तीसरा सोल्यूशन ये कि फिर आप सब्जेक्ट ही चेंज कर लें। ये तीन सोल्यूशन लाजमी आजमाएं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी में इजाफा होगा। लेकिन अगर इन तीनों फार्मूलाज के तहत आपको लगे कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इसकी वजह से कोई खातर खा बेहतरी नहीं आ रही, तो फिर चौथा सोल्यूशन और आखिरी सोल्यूशन ये होता है कि आप एक छोटा सा स्टडी ब्रेक ले लो। यानी 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट का एक स्टडी ब्रेक ले लें और उसके बाद लाजमी आपने स्टडीज की तरफ वापस आना है। और वैसे भी आमतौर पर स्टूडेंट्स को यह सजेस्ट किया जाता है कि आप घंटों बैठकर लगातार पढ़ाई ना किया करें, बल्कि हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट का या हर एक घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लाजमी लें, क्योंकि इंसानी दिमाग है, इसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। और समटाइम्स आप स्टडीज़ के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आप इतनी ज़्यादा फोकस्ड स्टडी कर रहे होते हैं तो दिमाग बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा होता है, तो उससे थोड़ी बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है। समटाइम्स आपको लग रहा होता है कि नहीं, मैं मज़ीद घंटों तक स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप घंटे बाद 5 या 10 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक लेने के बाद जब आप दोबारा स्टडीज़ की तरफ आते हैं तो आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी स्टडीज़ को दोबारा से स्टार्ट करते हैं।
यानी आधे घंटे पौने घंटे की स्टडीज के बाद आपके दिमाग का जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन जब आप ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेने के बाद दोबारा से स्टडीज़ की तरफ आते हैं तो आप 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी स्टडीज़ को शुरू करते हैं। लिहाजा जो अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें ऑलरेडी इस चीज़ का पता होता है, आप चाहते या ना चाहते हुए भी हर घंटे या आधे घंटे के बाद थोड़ी सी स्टडी ब्रेक लाजमी ले लिया करें, तो इससे इंशाल्लाह आपको स्टडीज़ में जो है वो आवाज़ारी महसूस नहीं होगी। ये टेक्निक्स लाजमी अपनी स्टडीज़ के दौरान यूटिलाइज़ किया करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा और आप ये महसूस करेंगे कि पहले से ज़्यादा आपको स्टडीज़ में जो है वो दिलचस्पी जो है वो आने लग गई है। लेकिन स्टडी ब्रेक्स का एक नुकसान ये भी होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो जब स्टडी ब्रेक लेते हैं तो वो फिर वापस नहीं आते हैं, वो उनको या तो वो घंटों गुजार देंगे अपनी अदर एक्टिविटीज़ के अंदर, या वो 5 या 10 मिनट की ब्रेक लेने की बजाय वो फिर अगले दिन ही वापस आते हैं स्टडीज़ की तरफ। लिहाजा स्टडी ब्रेक लेते वक्त हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने जितना टाइम डिसाइड किया है ब्रेक लेने का, वो 5 मिनट हो सकता है, 10 मिनट है या 20 मिनट है, तो फिर वो उतना ही होना चाहिए। और इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक होती है कि जो तलबा माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने की जब वो ब्रेक आती है तो वो वुज़ू करके अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो ये सबसे बेहतरीन ब्रेक होगी। वो 10-15 मिनट या 20 मिनट जिस टाइम में वो नमाज़ अदा करेंगे, तो नमाज़ पढ़ने के बाद जब वो दोबारा स्टडीज़ की तरफ आएंगे तो यकीन जानिएगा कि उस वक्त उनकी जो मोटिवेशन और एनर्जी है वो पीक पे पहुंची होगी और वो अपनी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ दोबारा से स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो लिहाजा ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो अपनी स्टडीज़ के अंदर लाजमी यूटिलाइज़ किया करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी। आने वाली वीडियोस में आपके साथ मज़ीद टेक्निक्स भी शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड कमेंट्स में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा।